दोस्तों, जैसे कि हमने इस ड्राम में 200 लीटर पानी अब पूरा भर चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमने पूरा 200 लीटर पानी भर लिया है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास जो 2 किलो गुड़ था मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास ये यानी कि अगर इसका बड़े बड़े भाग, इसको छोटा कर लेना है। जैसे कि हमने 2 किलो गुड़ छोटा कर लिया है दोस्तों, आप इसे अलग से पानी में भी घोल सकते हैं, क्योंकि जिससे अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं वेज डिकम्पोजर, उससे जल्दी बन जाएगा। आप इसके छोटे पीस कर लेंगे और ज़्यादा इससे, और मैंने ये इतने छोटे कर लिए क्योंकि मुझे 7 से 8 दिन में इसकी आवश्यकता है। तो 7 से 8 दिन में ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके जो गुड़ है आपके पास 2 किलो, आप इसे पानी में डाल दीजिए, ऐसे अच्छे से पानी में चारों तरफ इसको आराम से डाल दीजिए। तो दोस्तों, गुड़ को आसानी से डालें ताकि ये अच्छे से पानी में घुल जाए, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ इसमें। ये आप भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। ये हमने 2 किलो गुड़ इसमें डाल दिया है और अच्छे से पानी में डाल दो गुड़ को दोस्तों। दोस्तों, गुड़ डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये हमारे पास वेज डिकम्पोजर की सीसी है इसको खोलो। और दोस्तों, मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा ये वेज डिकम्पोजर है क्या। ये मात्र एक जो हमारी गाय का गोबर होता है, जो हमारी देसी गाय का गोबर होता है, उसके अंदर से निकाले गए जो छोटे छोटे हमारे जो वो होते हैं, जो हमारी ज़मीन को चाहिए, तो इसके अंदर में है, जो कि हमारे जो कि इसके साथ क्रिया करेंगे हमारे गुड़ के साथ में इसके अंदर है। तो आप देख सकते हैं ये अंदर से ऐसा होता है। और दोस्तों, ये 3 साल तक ख़राब नहीं होता, एक बार बनने के बाद 3 साल तक ख़राब नहीं होता। और ये इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं अंदर से। दोस्तों, इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इसके अंदर जो जैविक हमारे छोटे छोटे जो पोषक में हैं हमारे, इसके इसके अंदर जो कीड़े हैं में हाथ लगने से मर जाते हैं। तो इसको हाथ मत लगाना। तो बिना हाथ के हम इसको अब इसे इसमें डाल देंगे ड्राम में। गुड़ हमने डाल दिया क्योंकि जो इसके अंदर हमारे छोटे छोटे जीवाणु हैं दोस्तों, में गुड़ को खाते हैं, तो इसीलिए गुड़ इसमें डाला जाता है, क्योंकि गुड़ खाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसको मैं तैयार करके बना देंगे। तो दोस्तों, अब ये जो हमारे जीवाणु हम इसको इसमें डाल देते हैं। ये हमारे पास लोहे की है, या आप इससे ले सकते हैं, डंडे का आपके पास लकड़ी की हो उससे आप इसके आसानी से अंदर के अंदर भाग कर लीजिए। जैसे कि मैंने छोटे छोटे इसके अंदर भाग कर दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलाकार में इसके अंदर भाग कर चुका हूँ। और अभी ये बिना हाथ लगाए आपको अच्छे से पानी में डालना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पानी में, आप देख सकते हैं पानी में डाल रहा हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये पानी में घुल जाएगा अपने आप ही, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको काट काट कर आप बिना हाथ लगाए ज़मीन इसमें पानी में डाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये पानी में डाल दिया बिना हाथ लगाओ ही, तो आप इसको पानी में डाल दीजिए अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी भर लीजिए, और पानी भरने के बाद इसे आप ढक्कन को बंद कर दीजिए, ताकि इसके अंदर जो है वो भी ऐसे हिलाने के बाद इसमें अच्छे से घुल जाए। देखो दोस्तों, अब इसको हम डाल देते हैं इसमें। और दोस्तों, अभी थोड़े बहुत जो रह चुके हैं, थोड़ा सा एक बार और पानी ले लो हल्का सा, फिर ऐसे बंद करके आप इसे डाल दो। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ही खाली हो चुकी है वेज डिकम्पोजर की सीसी। और अभी ये हमारा काम निमट चुका है, इसके बाद हम इसे ड्राम को अच्छे से डंडी से घुमाएंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा दोस्तों। दोस्तों, जो हमने इसमें गुड़ डाला था, आप उसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको अच्छे से इसमें घोल देते हैं, ताकि ये अच्छे से इसमें मिल जाए गुड़, अच्छे से गुड़ जरूर मिल जाना चाहिए। और दोस्तों, मैं अगर मैं इस वेज डिकम्पोजर के बारे में आपको बताऊं, इससे आप अगर आप अपना बीज शोधन करना चाहते हैं, तो वेज डिकम्पोजर से आप अपना बीज भी शोधन कर सकते हैं। और साथ ही इसको आपको सुबह शाम 2 बार दिन में घुमाना होगा, सुबह शाम 5-5 मिनट के लिए, ताकि ये जल्द से जल्द तैयार हो जाए। और ये कम से कम गर्मियों में तो ये 4 से 5 दिन में तैयार हो जाता है, और सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है इसको तैयार होने में, 7 से 8 दिन इसे सर्दियों में तैयार होने में लगते हैं। दोस्तों, मैं इसी में ही वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जब ये तैयार हो जाएगा तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे तैयार होकर कैसा लगता है, तो इसकी वीडियो में आपको पूरी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों, इसका जो वेज डिकम्पोजर का प्रयोग है, जैसे कि हमने एक बार ये बना लिया, अब बनाने के बाद अगर हर बार हम सोचेंगे 20 रुपये की जो हमारी वेज डिकम्पोजर की सीसी है हमें दोबारा लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बार आप, जैसे कि आपने ये वेज डिकम्पोजर बना लिया, तो हमें दूसरा वेज डिकम्पोजर दूसरे ड्राम में बनाना है। उसके लिए आप क्या करें, इसमें से मात्र 1 लीटर वेज डिकम्पोजर लेके उस दूसरे ड्राम में डाल दीजिए। दूसरे ड्राम में डालने के बाद उसमें 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, और ये 1 लीटर से ही आपका दूसरा 200 लीटर का वेज डिकम्पोजर तैयार हो जाएगा। यानी कि इस पूरे ड्राम से पूरा गांव, एक ही गांव पूरा कवर हो जाएगा अगर वेज डिकम्पोजर तैयार किया जाए। तो दोस्तों, इसका उपयोग हम प्रत्येक सिंचाई में करेंगे अपनी, और पिछले 2.5 साल से मैं लगातार प्रत्येक सिंचाई में इसका उपयोग करता हूँ, और जैविक तरीके से ही करता हूँ, जिससे हमारी ज़मीन में जो केंचुओं की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है,
और रिजल्ट देखने, इसका रिजल्ट एकदम, तो अगर डालेंगे तो एकदम इसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो धीरे धीरे इसका रिजल्ट आता है। तो अब हमें अपनी ज़मीन में, मिट्टी में इसका रिजल्ट अच्छे से दिखने लगा है। तो जैसे ही दोस्तों ये तैयार होएगा आपको वीडियो में जरूर दिखा दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों ये ऐसे हमने 5 मिनट तो घुमा दिया, अब ये धीरे धीरे अपना रंग पलटना शुरू कर देगा। तो किसान भाइयों, आज हमारे वेज डीकम्पोजर को 7 दिन हो चुके हैं और ये बनकर तैयार हो गया। तो मैं आज आपको इसको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने ढक रखा है अभी तो ये अच्छे से। तो ये देखिए हमारा वेज डीकम्पोजर आज पूरे 7 दिन हो चुके हैं इसको। तो जैसे कि हमने आपको बनाना सिखाया था क्या क्या डालना है इसमें, और हम सुबह शाम इसे रोज़ 5-5 मिनट के लिए घुमाया करते थे। तो ये देख सकते हैं बनकर तैयार हो गया। अब तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से है, देख। तो किसान भाई आप देख सकते हैं ये इस तरीके से तुम्हारा बनकर कल्चर, वेज डीकम्पोजर कल्चर बनकर तैयार हो चुका है। और पूरा अब ये 200 लीटर था हमारा, 200 लीटर का ड्राम पूरा तैयार हो चुका है वेज डीकम्पोजर। अब इसको हम खेत में सिंचाई के लिए डाल सकते हैं। और दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको वेज डीकम्पोजर के बारे में बताऊंगा दूसरी, उसमें हम सरसों की खली मिलाकर डालेंगे वेज डीकम्पोजर में और तब उसकी सिंचाई करेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों अगर देख सकते हैं इस तरीके से आपका वेज डीकम्पोजर तैयार हो चुका होगा, ऊपर सारे में इस तरह की परत बन जाती है इसमें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।